अगे तक देखो रोड का हाल तो देखो खत्म कर रोड इधर नाले का कोई पानी का निकास नहीं ना उधर है ना इधर मेरा नाम आरसी थापा है, मैं सेक्टर 9 में रहता हूँ 2010 से। तो यहाँ 2010 के बाद एक ही बार पहले हमने देखी है, पिछले साल कोई 2 महीने पहले यहाँ पे इन्होंने ये ब्लैक टॉप की, पता नहीं जीडी वालों ने की थी, पीडब्ल्यूडी वालों ने की है। और बिल्कुल आज 1.5 महीने 2 महीने के बाद आप देख लो कि वो सारी डैमेज हो चुकी है। और उसका मेन कारण जो अभी राणा साहब ने आपको बताया यही है कि ये जो साइड की ड्रेन्स हैं ये फुल हैं मलबा से, इनको ना म्यूनसिपल्टी वाले देखने आते हैं। है कहने को ये 9 सेक्टर जो है म्यूनसिपल्टी में बताया जाता है, लेकिन यहाँ ना म्यूनसिपल्टी आती है, ना जीडी आता है, ना कोई आता है। और बिल्कुल ब्लॉक हुई हैं नालियाँ, और वो सारा जितना थोड़ा पानी आता है बरसात का सारा रोड के ऊपर से जाता है और रोड सारी डैमेज हो जाती है। बस हमारा यही इशू है कि ये कम से कम आपके मीडिया के थ्रू ये बात जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाई जाए। सर क्या नाम है आपका और क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं जगदीश राणा, यहाँ सेक्टर 9 में रहते हैं। और हमारी मेन प्रॉब्लम है यहाँ जो नालियाँ हैं, नालियों की सबसे बड़ी समस्या है। अब बरसात का मौसम है, ये झाड़ियाँ देखो, झाड़ियों में कुछ सांप सिली होता है, इधर चलने में शाम सुबह अगर चलो ना चलने में दुश्वार। और सारा रोड जो टूटने की वजह है ये नालियाँ हैं। हम कई बार जाते हैं यहाँ तक कि हम पार उनके पास भी गए अपने कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल्टी कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों के पास हम गए, मगर वो यहाँ के एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या के यहाँ वो कोई कहते हैं यहाँ 60 नंबर है, वार्ड नंबर 62, वो कहते 62 में जाओ, वो कहते 60 में जाओ, ना 62 ना 60। और यहाँ की हालत देखो, आपने नालियों की हालत देखी है। और ये हर साल जैसे ये मौसम आता है इनको ग्रांट मिलती है, वो सारा पैसा वो निकाल के खा जाते हैं। वो देखो नालियों की हालत देखो, नालियों की वजह से सारा रोड की खस्ता हालत हो गई है। ये खासकर ये सेक्टर इस साइड में जाओ जो सेक्टर 4 की गलियां अंदर जाके देखो, कारों की बुरा हाल है। कार अगर से निकालो ना कार सब छिल जाती है, उसके साथ कारों की जो कलर सारा उतर जाता है, ये झाड़ियों की हालत है। और मैंने कई बार हम सब ने मिल के हम इल्तजा भी की, वो यहाँ का एक ही बात कहते हैं, वो जी 60 में बढ़ता है, वो कह रहा है वार्ड 62 में बढ़ता है, ये कौन सा वार्ड है, क्या सिस्टम है। और ना यहाँ आते हैं, इनको आरटीए लगानी चाहिए, देखना चाहिए इनका कि ये क्या कितना पैसा इन्होंने निकाला। अभी मैंने आरटीए लगाई हुई हुई है और मैं लिख के दिया हुआ है, तो अभी बताया, अभी नहीं बताया, अभी महीना हो गया, उन्होंने कुछ नहीं जवाब ही नहीं दिया। तो ये यहाँ पे बहुत सभी हाई लेवल से धांधलेबाजी हो रही है, खासकर यहाँ झाड़ियों की, झाड़ियाँ कटाई और ये नाली सफाई की। तो हम फिर आपके माध्यम से हम इल्तजा करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक अधिकारियों तक पहुंचे और ये जो करप्शन है ये बंद हो और हमारा काम हो, सही ढंग से काम हो।